फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटे का बटन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। थैंक यू सो मच। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रीन स्पून गार्डन में। दोस्तों आज से जून का महीना शुरू हो चुका है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी सब्जियाँ हैं जो आप जून के महीने में इसमें लगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहली जो हमारी सब्जी है वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है बहुत सारे अलग अलग कलर में आती है, कोई हरी आती है, कोई लाल आती है या कोई पीली आती है, इसमें और भी काफ़ी सारे कलर आते हैं। तो इस महीने में आप अगर आप शिमला मिर्च लगाना चाहते हैं तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको ग्रो करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप किसी भी 10 इंच से लेकर और 20 इंच तक के पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हैं और साथ में जब भी आप इसको ग्रो करना चाहें तो बीज को आप करीब एक रात पहले भिगोकर रख दें। और अगर आपको बीज बाज़ार से नहीं मिल पा रहे हैं या आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट मिर्च से बीज निकालकर उसको अपने गमले में लगा सकते हैं, जिससे कि आपका शिमला मिर्च का जो पौधा है वो उग जाएगा और आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वो शिमला मिर्च दे पाएगा। दोस्तों बात करते हैं इसके सॉइल की। सॉइल कंटेंट कोई ज़्यादा इसमें खास रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 50% मिट्टी अपनी गार्डन की सॉइल और 50% आपको इसमें खाद रखनी है, मतलब एक हिस्सा मिट्टी का और एक हिस्सा खाद का आप रखिए और दोनों को मिक्स करके आप इसको सनलाइट में आप इसको रखिए। दोस्तों दूसरी जो सब्जी है वो है हमारी सेम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन बीन्स। दोस्तों इसको ग्रो करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको आपको 12 से लेकर और 20 इंच तक के पॉट में आपको ग्रो करना है। जो आपके बीज रहेंगे आप बीजों को 10 से 12 घंटे पानी के अंदर पहले से भिगो कर रख लें और उसके बाद आप इसको सॉइल में लगाइए। दोस्तों बात करते हैं इसके सॉइल की। तो इसके सॉइल के लिए एक हिस्सा आप मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा आप खाद लीजिए और एक हिस्सा आप सैंड या फिर कोकोपीट, आप दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं और उसको आप लगा सकते हैं। सेम की अगर बात करें सनलाइट की, तो सेम को जो सनलाइट पसंद होती है वो स्टार्टिंग में आप इसको थोड़ी हल्की सनलाइट दीजिए और 20 दिन के बाद आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में लेकर आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगली सब्जी की बात करते हैं। अगली सब्जी जो हमारी रहेगी वो रहेगी प्याज। प्याज हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है और हम सबकी फेवरेट होती है। प्याज के भी काफ़ी सारे कलर आते हैं, कोई पीले कलर में आती है, लाल में भी आती है, सफ़ेद में भी आती है और थोड़ा थोड़ा हल्का लाल भी आता है। प्याज को उगाने के लिए जब आप इसके बीज लगाएं तो बीजों को आप क्या करना होगा, बीज लगाने के बाद जब इसकी पौध उग जाएगी तो आपको इनके पौधों को थोड़ा अलग अलग डिस्टेंस पर निकाल कर लगाना होगा, तभी आपकी प्याज अच्छी बन पाएगी और 45 से 50 दिन के बाद इसकी फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है। अगली सब्जी की बात करते हैं जो कि है मशरूम। मशरूम को कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते और मशरूम जो होते हैं वो काफ़ी सारे तरह के होते हैं, जिसमें से कि कुछ मशरूम जो होते हैं वो खाया जाता है और कुछ मशरूम जहरीले होते हैं। इसको हम घर में बहुत आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन जो मशरूम होता है इसको सनलाइट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। मशरूम को उगाने के लिए बिल्कुल ही डार्क लाइट की ज़रूरत होती है और ये करीब सरफेस एरिया से ये करीब 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 40 से 50 फुट नीचे ये ग्रो होता है और ये एक तरह का फंगस होता है। कई बार मैं देखा होगा कि मशरूम जो होता है वो बारिश के टाइम पर हमारे पेड़ पौधों में खुद ही ग्रो हो जाता है, तो वो नेचुरल होता है। बारिश के टाइम पे हर चीज़ अपने ग्रोथ पर होती है तो मशरूम भी वहाँ पर उग जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी की जो कि है चुकंदर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बीटरूट। इसके भी काफ़ी सारे कलर होते हैं। अभी एक्चुअली मैंने नेट पर देखा था, एक चुकंदर देखा था जो कि रेनबो कलर का था, एक ही चुकंदर के अंदर काफ़ी सारे कलर थे। ये पीले रंग का भी होते हैं और ये कुछ गहरे लाल कलर के भी होते हैं और इसके पत्ते भी खाए जाते हैं और साथ में जो इसका नीचे का जो चुकंदर होता है वो भी खाया जाता है। दोस्तों अगर आप इसको उगाना चाहते हैं तो उसकी जो सॉइल होगी वो आपको बिल्कुल पोरस रखनी पड़ेगी। पोरस का मतलब ये है कि बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल, आप पानी डालें और साथ साथ इसका पानी ड्रेन हो जाए। अगर आप पोरस मिट्टी रखते हैं तो उसमें क्या होगा, जो उसका फ्रूट बनेगा वो बहुत ही अच्छा होगा और काफ़ी बड़ा फ्रूट इसमें आएगा। तो सॉइल आप इसके हमेशा पोरस रखिए। पोरस सॉइल को बनाने के लिए आप हमेशा मिट्टी के अंदर ईंट के टुकड़े मिला सकते हैं छोटे छोटे, और सैंड आप यूज़ कीजिए, कोकोपीट यूज़ कीजिए और वर्मी क्लोराइट आप यूज़ कीजिए। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके एक अच्छी पोरस मिट्टी बना सकते हैं। दोस्तों अगली जो सब्जी हमारी आएगी वो है खीरा। खीरे को भी आप जून में उगा सकते हैं और खीरे के ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं, हमने खीरा कैसे बीज से ग्रो किया हुआ है, उसका जो लिंक है वो ऊपर आ रहा होगा।
खीरा आप उगाने के लिए हमेशा हाइब्रिड सीड्स का यूज़ कीजिए। और खीरे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक तरह की बेल होती है, लता होती है, और इसको फैलने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है, और फ्रूट बनाने के लिए भी इसको थोड़ी जगह चाहिए होती है, क्योंकि जब इसका फ्रूट आता है तो इसको मजबूती भी चाहिए होती है। तो आपको इसे किसी एक अच्छे से लकड़ी के स्ट्रक्चर पर बांधना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी की, जो कि ये लौकी, जिसको हम बोलते हैं बॉटल गार्ड। ये भी एक तरह की बेल होती है, ये भी एक तरह की लता होती है। और लौकी की लता पर अगर आप ज़्यादा फ्रूट लेना चाहते हैं तो इसका बहुत ही सिंपल एक तरीका ये है कि आप खाद की जो मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा रखें, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद आप थोड़ा ज़्यादा रखें, जिससे कि उसको ताकत मिलेगी और वो ज़्यादा फ्रूट आपको देगा। और साथ में जब आप घर में चावल बनाते हैं उसके मांड को आप थोड़ा ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद आप उसको प्लांट में डालिए। हर महीने में आप एक बार या फिर दो बार इसको डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका जो लौकी होगा वो बहुत ही अच्छे शेप में आएगा, बड़ा आएगा और टेस्टी भी वो होगा। इसकी लता के ऊपर थोड़े ज़्यादा अगर फ्रूट चाहिए तो उसके लिए आप क्या करें, कटिंग इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। कटिंग करने के लिए आप इसकी 3G या फिर 4G कटिंग कर सकते हैं। 3G कटिंग करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा लौकी मिलेंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। हमेशा हाइब्रिड सीड्स का यूज़ कीजिए। और अगर बात करते हैं बीज से उगाने की, तो बीज से आपको उगाने के लिए इनके बीजों को एक रात पानी में भिगोकर रखना होगा। बात करते हैं दोस्तों अपनी अगली सब्जी की, जो कि है कद्दू। कद्दू मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये भी एक बेल वाला पौधा होता है, एक लता वाला पौधा होता है। कद्दू को फैलने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है, और अगर आपने कद्दू को थोड़ा नीचे ज़मीन में लगाया हुआ है और अगर आप उसको ज़मीन दे दें तो उसके जो फ्रूट का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा आता है। बात करते हैं इसकी बीजों को लगाने की। अगर आप इसके बीज लगाना चाहते हो तो आप बीजों को 8 से 10 घंटे पानी में भिगोकर रखिए, ताकि जो उसके बीज है वो थोड़े फूल जाएं और आपका प्लांट जल्दी ग्रो हो सके। दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी की, जो कि है टमाटर। टमाटर जो है वो हर घर के अंदर यूज़ होता है, और ये हर सब्जी के अंदर यूज़ होता है, चाहे आप कुछ भी बनाइए। इसको भी उगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप सीड्स लीजिए और एक पॉट के अंदर आप इसकी सीड डाल दीजिए और उसको हल्का सा मिट्टी से कवर कर दीजिए। बात करें इसकी सॉइल की, तो सॉइल इसकी कुछ ज़्यादा कुछ स्पेशल लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप अपने गार्डन की सॉइल लीजिए और साथ में खाद लीजिए, दोनों आप पार्ट बराबर यूज़ कीजिए। दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी की, जो कि है हरा धनिया, कोरिएंडर। हरा धनिया अगर आप बीज से उगाना चाहते हैं तो इसका जो मेन पॉइंट होता है या जो उसकी मेन ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप धनिया जब भी उगाएं तो उसके बीजों को अपनी हथेली पर रखकर एक बार दूसरे हाथ से अपने मसल लें। इससे क्या होगा कि आपके हर बीज के दो दो टुकड़े हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो प्लांट होगा वो जल्दी ग्रो करेगा और वो आपको जल्दी उसमें से धनिया दे पाएगा। इसके लिए पॉट आपको थोड़ा चौड़ा लेना पड़ेगा, थोड़ा आप शैलो पॉट लीजिए और मिट्टी में थोड़ा खाद आप हल्का सा थोड़ा ज़्यादा रखिए, मतलब ज़्यादा का ये मतलब है कि 30 से 40% आप खाद रखिए और बाकी आप थोड़ा सैंड या फिर कोकोपीट आप मिला लें, ताकि जो रूट्स इसकी हों वो उसको फैलने का जल्दी मौका मिल पाए। तो दोस्तों ये थी वो सब्जियां जो हम जून में लगा सकते हैं, जून के महीने में लगा सकते हैं। और अगर आप जून के महीने में इनको लगाते हैं तो मानसून के बाद इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और मानसून में ये आपको अच्छी सब्जियां दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।